नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऐसा लर्निंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले पीडीएसयू के जिस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नमाला तीसरी थी शायद बहुपद, हाँ उसमें 3.2 के सवाल एक को हल किया था। और आज इसी प्रश्नमाला का एक सवाल और है, सवाल नंबर है 4। उसमें लिखा गया है कि बहुपदों में शून्य ज्ञात करना, तो बहुपदों का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। मैंने कुछ सवाल पिक किए जैसे एक्स माइनस चार, 4x और x प्लस 3 और 3x प्लस 7। तो इन सवालों को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। शून्य ज्ञात करने का मतलब यह है कि जो ये बहुपद दिया गया है जैसे x माइनस 4 है, इसके बराबर हमें 0 ज्ञात करना है। इसके बराबर हमें 0 ज्ञात करना है, तो मतलब इसका जो भी आएगा पद वो हमें शून्य होगा। तो देखते हैं किस प्रकार से आता है। सबसे पहला सवाल दिया गया है एक्स माइनस चार, तो आप क्या करो, सबसे पहले जैसे हम लिखते हैं पी एक्स बराबर 0, तो यहाँ पर एक्स बराबर 0 करना, तो या फिर पी एक्स की जगह हमारा बहुपद लिख देते हैं एक्स माइनस चार बराबर 0 कर देते हैं। तो एक्स को इस तरफ रखना है तो एक्स को इस तरफ रख देते हैं, और ये माइनस के 4 है इसको बराबर के उस साइड ले जाके ये प्लस के 4 हो गए, तो हमारा जो 4 है वो हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इस प्रकार से आप शून्य ज्ञात कर सकते, सिंपल है, बहुत ही सरल। इस बहुपद की प्रश्नमाला में ये बहुत ही सवाल सवाल आते हैं शून्य ज्ञात करने के। जैसे इसमें से दूसरा सवाल पूछता है कि 4x है, तो आप क्या करो, 4x बराबर 0 लिखो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना, आपको पता है x इस तरफ रहेगा और जो यहाँ पर गुणा होता है वो भाग में जाता है, तो 0 में भाग के भाग में जाएगा यहाँ पर, तो इसका मान क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो x बराबर 0 इसका शून्य हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, तो मतलब यहाँ पर गुणा में तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा। जैसे हमने एक और पिक किया एक्स प्लस 3, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स प्लस 3, तो यहाँ पर क्या सिंपल, बराबर हम 0 करेंगे, तो यहाँ पर एक्स को बाहर रखेंगे और ये प्लस के 3 है, यहाँ पर आकर माइनस के 3 हो जाएंगे, ये इसके शून्य हो जाएंगे। और जिस प्रकार से एक और सवाल है यहाँ पर 3x+7, इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना आवश्यक है, ज़्यादा नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3x+7, ठीक है, बराबर हम 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि यहाँ पर 3x भी है और प्लस के 7 भी है, तो आप क्या करो, सबसे पहले इस प्रकार से कर सकते हो, आप पहले 7 को ले जाओ यहाँ से प्लस के, तो माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर इसके गुणा में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएंगे, ये आगे भाग में, तो ये टोटल ये हमारे शून्य हो गए। बस आगे इसके आगे अपना दिमाग बंद करो, भाई 3 का भाग 2 बार गया, 3 दूना 6 पॉइंट लगा के, नहीं, यहाँ पर खत्म करो कहानी को, और ये इसके शून्य हो गए। तो बिल्कुल सिंपल है, तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये एक से लेकर जितने भी इसमें दिए गए सवाल और जितने भी आपके उदाहरण वगैरह बनते हैं, या खुद से आप बनाकर इस शून्य निकालने की प्रैक्टिस करो, बहुत ही सरल है, सबसे सरल कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, आपको बराबर 0 लगाना है, उसके जिस प्रकार से हमने इस सवाल में किया था उसी प्रकार सारे एक ही तरह के सवाल होंगे इसमें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।